उस टाइम दो आदमी आए, एक मोटरसाइकिल ते ही एक पैदल ते आ गए ते इन्हां दा बैग खो के भज जांदा। ये लड़का ही उहदे कैप पाई ही ते परनावा नीला पाया ही ते दो ही पंजाबी ही भइए ने ही ते मैं कोशिश की उन्हां दे पहुंचन दी दौड़न दी पर मेरे कामयाब नहीं क्योंकि वह चलते मोटरसाइकिल ते उन्हें छाल मारी बैग लैके तो वो रवाना हो गया। मैं लोगों ने भी बहुत कोशिश की कहन की पर मैं ये देखा कि इंडिया दे विच कोई एक दूजे की मदद नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी किसी चीज़ दे विच इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। विदेशी औरत दा पर्स खो के लुटेरे हुए फरार, माड़ा तजर्बा लैके पंजाब तो घर वापस परतेगी विदेशी औरत, लोगों च बनिया सहम दा माहौल। सुल्तानपुर लोधी इलाके अंदर सरगर्म हुए लुटा खोहा करने वाले गिरोह आए दिन वारदातों को अंजाम दे के आतंक मचा रहे ने, जिसके चलदे लोगों च सहम दा माहौल बनिया होया। ताज़ा मामला स्थानक मॉडल टाउन नेड़े स्थित एक निजी हस्पताल तो सामने आया है, जिथे कि अपने मंगेतर नाल दवाई लैन आई विदेशी औरत दा मोटरसाइकिल सवार लुटेरियां वल्लों पर्स लुट के फरार हो जाण दा मामला सामने आया है। दस्या जा रहा है कि विदेशी औरत दे बैग च कुछ पैसों तो इलावा होर जरूरी विदेशी कागजात भी सन। पीड़ित औरत ने अपने मंगेतर दे नाल घटना दी सारी जानकारी थाना सुल्तानपुर लोधी दी पुलिस नूं दे दित्ती है। दूजे पासे लुट दी इह सारी वारदात हस्पताल दे बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे च कैद हो गई है, जिस च साफ दिखाई दिंदा है कि किस तरह जदों विदेशी औरत एक बच्चे नूं बाहर खिडा रही हुंदी है अते इस दौरान लुटेरे उसका बैग लुट के मोटरसाइकिल ते फरार हो जांदे ने। घटना तो बाद विदेशी औरत च सहम दा माहौल बनिया होया। उसके परिवारिक मैंबर का कहना है कि वह बहुत ही माड़ा तजर्बा लैके पंजाब तो घर वापस परतेगी। नमस्कार, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला प्रिंस ठाकुर राजपूत। इतने असी थोड़ी देर हुई आए नूं, असी इटली च रहने ते इत्थे सुल्तानपुर लोधी च आए ही ते असी ओजला हस्पताल दे मेडिसिन लैंदे पे ही ते मैं अंदर हजे लखवांदा पिया ही, दवाइयां ते लैंदा पिया ही, गुड़िया तंग करदी पई ही ते इस करके बाहर खेल रही ही। उस टाइम दो आदमी आए, एक मोटरसाइकिल ते ही एक पैदल, ते आ के मैं हजे दवाइयां लैंदा पिया ही, वो कैमरे च असी सीसीटीवी कैमरे चो चैक करवाए बाद चो कि आ गए तो इन्हों का बैग खो के भज जाता। मैं उस वे ये लड़का ही वो कैप पाई ही तो परनावा नीला पाया ही तो दो ही पंजाबी ही भइए ने ही, ये एक प्लटीना मोटरसाइकिल जिदा नंबर प्लेट भी नहीं पिछे हैगी। मैं कोशिश की उन्होंने पहुँचन की दौड़न की पर मेरे को कामयाब नहीं क्योंकि वो चलते मोटरसाइकिल तो उन्हें छाल मारी बैग लैके तो वो रवाना हो गया। मैं लोगों ने भी बहुत कोशिश की कहन की पर मैं ये देखा कि इंडिया दे विच कोई एक दूजे की मदद नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी किसी चीज़ दे विच इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो मेरे घर वाले इत्थे आए हैं, इत्थे जो मैसेज इन्हां नूं मिलिया है कि इन्हां दा दिल टुट गया है तो वापस ये जल्दी तो जल्दी वापस जाऊंगे तो अपने जो भी है डॉक्यूमेंट वो बैग दे विच डॉक्यूमेंट से इन्हां दे ही ते ये मेरे फियंसे है इन्हां दी गुड़िया दी ही ते हुण ये सारे डॉक्यूमेंट शुरू तो फिर बनाने, पैसा विच इन्ना पैसा नहीं ही ते नुकसान ये सिर्फ डॉक्यूमेंटां दा नहीं ही, सिर्फ नुकसान जिहड़ा सारे नालों वड्डा पहुँचा सानू कि ये इंडिया की कि सोच लैके जाऊंगे। असीं इंडिया का इन्ना करीदा ते दिल तोड़ के असी वापस जावांगे। जी जी उस वाले इतने सुल्तानपुर लोधी पुलिस तो मैनू एक उम्मीद है कि इदा के एन आर आई जोड़े आते उन्होंने सुरक्षा की जाए क्योंकि तुम पता कि कोई भी एन आर आई आता तो वह टारगेट होंगे ही होंगे क्योंकि वह पैसे ना आता ज कुछ आता तो इदा के लोग जोड़े नशा करते ज कुछ करते है वो उन्होंने नशाने पर पहुँच जाते। जिदा वेखो ये बहर कले ही तो उस वे टारगेट हो गए, उन्होंने सुरक्षा लिए
कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो एन आर आई इतने बहुत दुखी है तो वह नहीं आना चाहता। अगे इतने बहुत होर भी प्रॉब्लम्स एन आर आई आते तो वह कल्प के इतने सब कुछ बेच के तो चले जाता। ये जे अपने प्रधानमंत्री या जिन्हें भी जो पोलिटिकल है कोशिश करते हैं कि एन आर आई वापस लिया जाए, एन आर आई टूरिस्ट इतने आए क्योंकि सुल्तानपुर नगरी गुरु की नगरी है तो इतने वध तो वध टूरिस्ट आना चाहिए, अमृतसर नालों भी ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि अमृतसर हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है जिन्ना सुल्तानपुर। तो कोशिश असी करते हैं बाहरों आ के कि जिन्ना तो जिन्ना साड़ी सिटी जिहड़ी है वह गुरु की धरती है तो इतने सेवा हो, असी करी दी है तो लोग भी साडा साथ देन, तो पुलिस खास करके साडा साथ दे, ये क्रिमिनलों को जल्दी तो जल्दी फड़िया जाए तो इन्हों उदा का सबक सिखाया जाए कि इदा की गलती दोबारा ना हो। एवन मीडिया लिए सुल्तानपुर लोधी तो बलजिंदर सिंह की खास रिपोर्ट।